शहर में सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। और पापा ने इस लायक बनाया कि मुझे अभी कोई चीज़ को उसके कितने रुपए वो पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरे को आज यही सोच रहा था, जब पिछली बार मूर्ति ली तो मैं थोड़ा बजट का सोचता था, अभी मेरे को जो मूर्ति पसंद आई वो मैंने ले ली वो। और इसीलिए मैं घूम रहा था, 3 दिन से घूम रहा हूँ मूर्ति। और मैं अमरावती भी वैसे ही घूमता था कि जब तक मुझे मूर्ति पसंद नहीं आती। पापा तो सब सेम होते हैं, बट होता है ना घर पे अपन 10 दिन रखते हैं उन्हें, उनकी आंखें मुझे बहुत पसंद आती है। तो पापा ने उस लायक बनाया कि अभी मेरे को वो चीज़ सोचनी नहीं पड़ती कि मूर्ति महंगी रहेंगी, तो वो सब पापा का आशीर्वाद है। और अब एक प्यारी सी मूर्ति लेके जा रहा हूँ और 10 दिन मस्त वहाँ पे, मतलब 2 दिन हूँ वहाँ पे, बाकी फिर पूरे पापा अपने महाराष्ट्र के। अमरावती में मेरी चल रही है 1 महीने से तैयारी, पूरे घर का जो मैंने ऊपर के रूम्स चेंज कर दिए है और मेहमानों के लिए कर दिए जगह, कुछ मुंबई से भी लोग आने वाले हैं। और पापा के लिए जो हम पूरा ये मंडप बनाते हैं छोटा सा, वो मंडप बनाना चालू है अभी। और मैं मॉर्निंग पहुँचते ही थोड़ा मैं भी हेल्प करूँगा, जो जो मुझे चीज़ें चाहिए होती है, बाकी तो पूजा वूजा तो आई करती है, मोदक खाने के काम मैं करता हूँ।